दोस्तों, अभी अभी आपने पिछला ट्रिक में देखा था कि हमें ए तथा बी के एज का अनुपात दिया गया था तथा उनके उम्रों का योगफल दिया गया था, तो हमने ए तथा बी का एज ज्ञात किया। अब ठीक उसी सूत्र से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब उम्र का अंतर श्रेणिकोष्ठक ज्ञात करके देखते हैं। तो तीसरा ट्रिक बोल रहा है, यदि उम्रों का अंतर ज्ञात हो, मतलब हमें दोनों के एज का डिफरेंस ज्ञात हो तथा उनकी टी वर्ष पहले या बाद का आयु का अनुपात दिया गया है। वहाँ पे हमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया था, लेकिन यहाँ पर उनके टी वर्ष बाद या पहले की आयु का अनुपात दिया गया है। तो टी वर्ष बाद या पहले की आयु ज्ञात कर कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ए बटा ए माइनस बी इंटू उम्रों का अंतर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, दो व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 6 गुना था। वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखिए इसमें हमें अनुपात, डायरेक्ट अनुपात तो नहीं दिया है, चलिए देखते हैं हम लोग एग्जांपल। दो व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 6 गुना था। तो वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखिए हमें इस क्वेश्चन में वर्ष उम्रों का अंतर तो ज्ञात है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में 5 वर्ष पहले या बाद का अनुपात डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया है। लेकिन इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, 4 वर्ष पहले। इसे ध्यान से पढ़िएगा, 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 6 गुना था। अर्थात 4 वर्ष पहले जो है, अगर हम छोटे व्यक्ति की आयु को x मान लेते हैं, छोटे व्यक्ति के लिए अगर हमें छोटे व्यक्ति का आयु हमने अगर x माना है, तो बड़े व्यक्ति का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अनुसार इसका 6 गुना था, अर्थात ये 6x। अर्थात अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं तो अनुपात हो जाएगा इसका अनुपात हो जाएगा 1:6। ठीक है, तो चलिए एक तरह से अनुपात दिया गया है, लेकिन ये क्लियर नहीं लिखा गया, तो इसे हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। ध्यान से पढ़ के आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हमें छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है, तो हम छोटे व्यक्ति की आयु इक्वल टू ए, यानी छोटे व्यक्ति का है तो 1 था इसका मान, बटा ए माइनस बी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का अर्थ ये हुआ कि हमेशा बड़े में से छोटा का ही घटाया जाएगा। तब 6-1 इंटू उम्रों का अंतर, जो कि 65 दिया गया है, 1/5 इंटू 65 अर्थात 13। ये 13 जो है हमें टी वर्ष पहले या बाद की आयु ज्ञात किया गया है, टी वर्ष पहले या बाद की आयु ज्ञात हुई है। अर्थात ये जो एज है, ये 4 वर्ष पहले की आयु है। 4 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति की आयु क्या हो गई? 13 वर्ष। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है, वर्तमान में निकालना है। अर्थात पीछे से आगे आ रहा है, पीछे से आगे आ रहा है, तो हमने आपको बताया कि इसमें योग होगा, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 13+4 अर्थात 17। क्वेश्चन में दो ही चीज ध्यान से देखना होता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, और हमें कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करना होता है। यहाँ पर हमने देखा कि हमें डायरेक्ट तो अनुपात नहीं दिया गया था, लेकिन हमें उसके लिए एक स्टेटमेंट दे दिया गया था, जिसे अगर हम केयर ध्यान से पढ़े तो हमने बिना कोई कैलकुलेशन किए हमें यह समझ में आ गया। और ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि
एज कब का पूछ रहा है, वर्तमान का पूछ रहा है, टी वर्ष पहले का पूछ रहा है, या फिर टी वर्ष बाद का पूछ रहा है, जैसा पूछे ठीक है उस हिसाब से किया जाता है। अगर हमें पास्ट का पूछा, अगर हमने वर्तमान क्या युग ज्ञात किया है और हमसे पास्ट का पूछा जा रहा है कि टी वर्ष पहले इसकी एज क्या होगी, तो पहले के लिए हमें घटाव करना होता है। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि टी वर्ष बाद की आयु क्या होगी, तो उस कंडीशन में हमें जोड़ना होता है ठीक है। और इसमें हमसे हमने जो एज निकाला था वो टी वर्ष पहले का निकाला गया था, लेकिन हमसे पूछा जा रहा था वर्तमान में, तो पहले का एज और अभी का एज ज्ञात कर, पहले के एज से अभी का एज ज्ञात करने के लिए हमें उसमें जोड़ करना पड़ा जो कि 4 था। इस तरह से हमने बहुत ही सरल तरीके से, पहली बार क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा समय हो लगता है, लेकिन जब आप उसे एक से दो बार पढ़ेंगे ध्यान से, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझ लेंगे। मैथ बनाने का सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए ठीक है। तो चलिए हम बाय बाय, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे दिन।